हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चले गया होगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। जी हाँ, हम लोग हैं सुला विनयार्ड्स में। और सुला विनयार्ड्स में बहुत ही यूनिक और अलग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस और लर्न करने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि हाउ वाइन्स आर मेड और क्या प्रोसेस होता है उसको बनाने का। तो यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी अभी आपको मशीन्स दिखेंगी, ये जो मशीन्स है इसमें यहाँ पर ग्रेप्स हार्वेस्ट करके लेकर आया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि क्रश करके उनका जूस निकाला जाता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि दो टाइप्स की ग्रेप्स होती है, विच इज़ ग्रीन और ब्लैक। तो ग्रीन वाली जो ग्रेप्स होती है उनसे बनती है वाइट वाइन, और जो ब्लैक वाली होती है उससे बनते हैं रेड वाइन। तो यहाँ पर एक होस्ट भी थी जो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन कर रही थी। तो फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर जूस मिल चुका है अंगूरों से। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है, विच इज़ सेकंड प्रोसेस, और ये है फर्मेंटेशन रूम। फर्मेंटेशन रूम में जो जूस मिला है ना, उस जूस को लाके इन टैंक्स में डाला जाता है, विच कॉल्ड फर्मेंटेशन टैंक्स, और फिर इनको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद फिर होता है इनका स्टोरेज का प्रोसेस। स्टोरेज के लिए ये लोग बैरल्स यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो बैरल्स में इनको रखा जाता है, बैरल्स जो रूम है उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। और स्टोरेज वाइन के अकॉर्डिंग, वाइन के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ दो से 18 महीने। तो प्रेम यहाँ पर वाइन टेस्ट कर रहे थे, मैं नहीं ड्रिंक करती हूँ तो मैं बाहर आ चुकी थी प्रत्युष के साथ। और यहाँ पर था ये गिफ्ट शॉप कुछ, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी बहुत ही अच्छी। I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have. तो यहाँ पे मैं और प्रत्युष हैं जो पापा का वेट कर रहे हैं। मैं ना बैठूँ? ठीक है। इसको ना एक्चुअली नींद आ रही है, इसलिए इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं पापा का। पापा कम जून। ओके, सो द नेक्स्ट वाइन इन योर ग्लास इज अ क्लासिक शार्डनी एंड द नेम ऑफ द वाइन इज डेंडोरी शार्डनी। डेंडोरी इज अ रीजन व्हिच इज समवेयर अराउंड 60 टू 70। Let's have a sip of this wine and in one go, right? यहाँ पे प्रेम को एक वाइन पसंद आई है। सेवन वाइन की आउट ऑफ सेवन उनको दो पसंद आई, जिसमें से एक मुझे नहीं लगता है। एंड दिस इज लेट हार्वेस्ट चेनिन ब्लैक, पता नहीं ब्लैंक मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट ये कुछ ऐसा ही। सबसे बेस्ट है इसकी पैकिंग, सो कलरफुल। Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
paying so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company. Now it's time to say goodbye to Sulevin. Yes, very nice, बहुत ही अच्छा experience रहा, बहुत ही different experience किया और साथ में बहुत कुछ सीखा भी. A must go place, worth visiting, parking की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही innovative concept है, जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. बस एक चीज़ जो चुभी वो ये थी कि जो food था वो थोड़ा सा ज़्यादा expensive था, otherwise the setup of the whole place is amazing. जी तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर. घर आके प्रत्युष हो चुका है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो प्रत्युष हो चुका है. और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में पनीर मोमोज. पनीर तैयार, मोमोज के लिए आटा तैयार, इसमें हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे. ये फिलिंग जो है बहुत ही इजी है. हाय कर दो. हाय. तो पनीर वो मैं बता रही थी कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है, मतलब कौन सी अच्छी नहीं, सबसे इजीएस्ट मोमोज कौन सा है बनाने वाला, तो वही बता रही थी. तुम्हारे हाथ में जादू है यार. जाओ जाओ दिखाने के लिए मत बोलो. तो फिलिंग की अगर बात करें तो फिलिंग में ना सबसे इजीएस्ट फिलिंग है पनीर मोमोज की, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी है. और फिर उसके बाद और फिर चिकन का भी दूसरे नंबर पे रखा जा सकता है और तीसरे नंबर पे रखा जा सकता है वेजिटेबल्स का, यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी, इन सब को काटने में ना बहुत जान जाती है. तो सबसे ईजिएस्ट मुझे लगता है पनीर मोमोज है बनाने में. उसके बाद चटनी वो भी बनी जाती है, आटा भी गूंध ही जाता है. तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो मैदा होता है ना, मैदा में थोड़ा सा ना आटा मिला लेती हूँ. मैंने सोचा कि बनाते बनाते आप लोगों से बात भी कर लूँ. वैसे आज का ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ दो पार्ट में उसको करूँ या नहीं करूँ, देखती हूँ जो भी होगा. तो अभी के लिए बाय, मैं फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि 8:30 हो चुकी है और भूख लग रही है बहुत जोरों से. तो मिलती हूँ बनाने के बाद, मैं थोड़े से आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना. ओके बाय. जो मैं मोमोज बना रही हूँ वो बना रही हूँ इडली मेकर में. तो अभी मैंने जस्ट चढ़ाया है सीध मोमोज. अभी इसको लगेगा टाइम, 20 मिनट लगेंगे इसको. तो जो मोमोज के दर्शन करा देती हूँ, चटनी तैयार है यहाँ पर. चटनी तैयार है और यहाँ पर तैयार है मोमोज. और यहाँ पर तैयार है मोमोज. देखिए कैसे दिख रहे हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा. चलिए अब दे देते हैं खाने के लिए. लीजिए पनीर मोमोज, पनीर मोमोज, पनीर मोमोज, पनीर. अब इसी के साथ व्लॉग का करते हैं अंत और फिर मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट. हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करो ना, बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन मेरा नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स काउंट बिल्कुल स्टिल है. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.